दोस्तों आपको व्हील को फॉर्मूले को नॉर्मली यूज करना तो आता होगा, लेकिन अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आपको व्हील कप के साथ मैच फॉर्मूले को यूज करना है तो इसको आप कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉयज के नेम और उनकी सेल्स दी हुई है। अब मुझे इस टेबल में से इन सभी नेम्स की फरवरी की सेल निकालनी है, वो भी यहाँ पर वी लुकअप और मैच फॉर्मूला एक साथ यूज करके। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इन सभी नेम्स के निकालने, तो इसके लिए मैं यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि हमें यहाँ पर मैच वाला फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स, यानी अब मैं कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैं यहाँ पर मैच फॉर्मूला का यूज करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर फरवरी का डेटा निकालना है। तो मैं यहाँ पर मैच ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं फरवरी को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर फरवरी का निकालना है, तो इसके लिए मैं फरवरी को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे में यहाँ पर ऊपर वाली रो को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि जो हमारी है फरवरी जो हेडिंग है वो हमारी इस हेडिंग में, तो मैं क्या करूंगा हेडिंग को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैच टाइप, इसमें यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच लिखूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद में ट्रू और फॉल्स। अब मुझे यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉयज का एग्जैक्ट मैच निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जीरो यानी फॉल्स एग्जैक्ट मैच लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स लिखा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनुज की फरवरी मंथ की जो सेल थी वो कितनी थी 6395। अब मैं यहाँ पर अनुज की सेल चेक करता हूँ तो यहाँ पर 6395 आ गई है। तो इस तरह से हम अनुज की सेल निकाल लेंगे। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर भूमिका, गौरव और काजल की भी सेल निकालनी है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, मैं जैसे ही मैं यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है। अब ये दोस्तों एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी मैंने यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारी ये सभी वैल्यू जो भी हमारी रेफरेंस था, जो मैंने रेफरेंस यहाँ पर लिया हुआ था, वो सभी रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले F2 प्रेस करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर जो मेरा रेफरेंस था यानी जो सारा डेटा था मैं उसको F4 से लॉक कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपना जो रेफरेंस है वो लॉक कर लिया, उसके बाद में अब आते हैं नेक्स्ट मैच। अब मैच में मुझे दोस्तों यहाँ पर इन सभी जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी फरवरी मंथ का निकालना है, यानी जो हमारी मैच फॉर्मूले में मैंने जो लुकअप वैल्यू ली थी मैं उसको लॉक करूंगा, तो मैंने यहाँ पर फरवरी को भी F4 से लॉक कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ये रेफरेंस है F6 से लेकर K6 जो हमारा हेडर था, अब मैं उस हेडर को भी F4 से लॉक कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पर इस हेडर को भी F4 से लॉक कर लिया, देन उसके बाद में एंटर। अब मैं फॉर्मूले को नीचे यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर अनुज की जो सेल थी फरवरी की वो 6395 थी, अब यहाँ पर भूमिका की 5365 है। मैं यहाँ पर इस टेबल में चेक करूंगा भूमिका की टोटल सेल कितनी है, भूमिका की 5365 है और सेम आंसर हमारा आ रहा है। ऐसी सेम मैं गौरव की चेक करूंगा 9498, यहाँ पर भी 9498 आ रहा है। तो इस तरह से हम एडवांस वी लुकअप और मैच फॉर्मूले का यूज करके इस टेबल में से इन सभी एम्प्लॉयज की फरवरी मंथ या मार्च मंथ या किसी भी मंथ की सेल निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।